दोस्तों आज है 10th of September, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो आज 10th of September को एक चीज और होनी है, जो कि जियो फोन नेक्स्ट की आज से बुकिंग स्टार्ट होनी है। तो बात करते हैं क्या कुछ अपडेट आया है जियो की तरफ से इस बारे में। दोस्तों कल ही यानी कि कल लेट नाइट को ही एक गूगल और जियो दोनों जो फोन बना रहे हैं उनके तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ है, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ सरल भाषा में एक्चुअली ये लिखा क्या है। यहाँ पर क्लियर कट ये लिखा गया है कि जो कि जियो फोन हम 10th of September गणेश चतुर्थी में लॉन्च करने वाले थे, उसको डिले कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, डिले कर दिया गया। कितना डिले किया गया यहाँ पर जो बताया गया है, वो बताया गया है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली दिवाली के आसपास लॉन्च होने का एक्सपेक्टेड डेट है। अब बात करें दिवाली यानी कि 4th of November को दिवाली होने वाली है, 2nd of November को धनतेरस होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल व्यू से कि यहाँ पर 2nd of November धनतेरस के दिन हो सकता है, क्योंकि इंडिया में धनतेरस को लोग नई चीज़ों को खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि जो कि ने दिवाली की डेट दी है, तो धनतेरस दिवाली के आसपास ही आपको बुकिंग करने की डेट मिल जाए। यानी कि देखा जाए तो 2 महीने बाद आप इसकी बुकिंग कर पाएंगे। 2 महीने लेट हो गई है इसकी लॉन्चिंग डेट। और इसके साथ ही ऐसा कुछ नहीं बताया गया जो कि अदर वेबसाइट क्लेम कर रही हैं कि 3,500 की इसकी प्राइस होने वाली है, बट ऐसा कोई यहाँ पर नहीं बताया गया। बट ये कहा गया कि जियो फोन नेक्स्ट और इसका एक और वेरिएंट होगा जो कि 3GB वाला होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर वेरिएंट बताया गया है। बस इसके अलावा जो भी लीक्स थे आज तक के, वो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लीक्स के बारे में जानना है। तो ये क्लियर कट है कि 2 महीने बाद ये फोन आपको बुकिंग के लिए मिलेगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहिए। ऐसी ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन थैंक।